मनुष्य के शरीर से तीन प्रकार से पाप होते हैं और तीन ही प्रकार से पुण्य होते हैं। पहला पाप पुण्य तन के द्वारा, दूसरा मन के द्वारा और तीसरा वचन के द्वारा। किसी का शरीर से कोई गलत काम कर दो, अपने शरीर को लगाकर किसी का गलत काम कर दिया, पाप कर दिया, तो ये तन का पाप है। और इस शरीर के द्वारा हमने नारायण सेवा संस्थान को दिल खोल करके दान कर दिया तो ये शरीर का दान कहलाता है। धन्य है। इस शरीर के द्वारा जो होने वाला पुण्य और पाप है वो तन का पाप और पुण्य कहलाता है। लेकिन शरीर तो हमने नहीं लगाया, शरीर हमने नहीं लगाया, हम मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं। पड़ोसी का मकान का लेंटर डलने लगा, रात को भगवान से बोले, भगवान कल मूसलाधार बारिश करा दे, कल लेंटर भी टेंटर हो जाए। मन के द्वारा किसी के बारे में गलत सोचा ये मन का पाप कहलाता है। और मन में कथा सुनते सुनते विचार किया कि भगवान मुझे भी इस योग्य बना कि मैं भी नारायण सेवा संस्थान को खूब दान करूं, ऐसे धामपुर वाले महाराज का खूब सम्मान करूं और सदा इनका ध्यान करके भोलेनाथ तेरे चरणों में ज्ञान धरूं। ऐसा मन में जो सोच लेता है ये मन का पुण्य कहलाता है। और तीसरा, आपने बहू को सिखा दिया तेरी सास बहुत खराब है, जरा दब के मत रहियो, अपने बस में रखियो। और सास को कह दिया कि बहू पर ज्यादा निगाह रखना, बहुत चतुर पढ़ी लिखी है, तो क्या हो जाएगा सास बहू के बीच में झगड़ा और झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी रगड़ा। तो ये अपने वचनों से कहे हुए शब्दों का पाप हो गए। आपने किसी का अपमान कर दिया, गाली दी, ये आपके शब्दों का वचनों के द्वारा पाप हो गया। और जब आपने अपने वचनों से भगवान का कीर्तन गाया, भगवान का मुख से भजन गाया, कीर्तन गाया, नाम जाप किया, या वचनों के द्वारा रामायण गीता भागवत पाठ किया, यह वचनों का पुण्य हो गया। तो तीन तरह से तन मन वचन के द्वारा, हमारे द्वारा जो तन मन वचन से पाप होते हैं, हम तीन बार में कहते हैं महादेव हमारे तन के पापों को हरण करो, हे महादेव हमारे मन के पापों को हरण करो, हे महादेव हमारे वचनों के पापों का हरण करो। इसलिए तीन बार हर हर महादेव समर्पण मुद्रा में किया जाता है।